Good morning, students. Our today's paper is enhancement of food production. Barabar. Factual chapter. 1 mark से लेके 4 mark तक सभी टाइप के questions यहाँ आ सकते हैं. यहाँ ये chapter किस टाइप का है? Informative है. और इसलिए यू हैव टू बी प्रिसाइज व्हाइल राइटिंग एन आंसर एंड योर एक्यूरेसी मस्ट बी ऑफ टॉप मोस्ट लेवल. और इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो ऐसे चैप्टर्स है इनके प्रिपरेशन में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चंस है या फिर जेनेटिक्स के है यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, बट जहाँ लाइन बेस्ड जा रहा है पार्ट, जहाँ एक एक पॉइंट काम का है, वहाँ अपना आंसर कैसा होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट. दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर को लेकर एक और ध्यान में रखिए कि लास्ट टाइम इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स थे अंडर कोविड कंडीशन. एक माइक्रोब्स का था और दूसरा एक छोटा टॉपिक था बायो फॉर्टिफिकेशन का. अब मैं इस साल के पेपर में यहाँ इनसे कंपैरेटिवली कम चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ. जो कुछ भी रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बाकी जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये बात याद रहे. बराबर. अब आगे बढ़ते पेपर की बात करते. हमेशा की तरह सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर. द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन बायोगैस इज अबाउट 50-60%. आंसर लिखने का मेरा तरीका अभी भी वही है, पूरे पेपर्स के लिए वही रहेगा 50-60% विद द ऑप्शन सी. ये पार्ट याद रखिए, ये काम की चीज़ है. म्यूल इज प्रोड्यूस थ्रू. देखिए म्यूल जो होता है दैट म्यूल इज प्रोडक्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. दो अलग अलग टाइप के ब्रीड को, दो अलग अलग टाइप के स्पीशीज को, ब्रीड को नहीं स्पीशीज को क्रॉस करके इसे बनाया गया है. माइक्रोबियल सोर्स ऑफ विटामिन सी एस्परजिलस नाइजर. अब यहाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये अभी MCQ बन के है. हो सकता है ये वेरी शॉर्ट आंसर बन जाए, यहाँ मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन बने. बराबर. और वो मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बन जाए. एक साइड में विटामिन्स दिए जाएंगे, दूसरे साइड में उनके सोर्सेस. बराबर. इज अ वेराइटी ऑफ व्हीट अगेंस्ट लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट. तो दैट हैज़ टू बी हिमगिरी. और यहाँ एक कैरेक्टर और ऐड करके रखा जा सकता है, दैट विल बी हील बंट. वो जितने टेबल दिए हैं ना इस चैप्टर में वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में हैं. बराबर. चलिए 1 मार्क क्वेश्चन की बात करते, वेरी शॉर्ट आंसर. व्हाट इज हेटेरोसिस. हेटेरोसिस किसे बोलते हैं? तो सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड इन कैरेक्टर्स ओवर इट्स पेरेंट्स, इसको बोलेंगे हाइब्रिड विगर. HJ Schul नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया है, ये पॉइंट भी याद रखिए. नेम द टेक्निक यूज टू इंक्रीज द हर्ड साइज. बराबर. ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप का नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? तो यहाँ MOET दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक इज यूज. ये पॉइंट MCQ करके आके गया है, ये पॉइंट वेरी शॉर्ट आंसर करके आके गया है, ये 2 मार्क का शॉर्ट नोट बन के भी आता है. यानी शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो है उसके अंदर हम लोगों को ये पार्ट मिलेगा. नेम द माइक्रोब यूज टू प्रोड्यूस सेल्यूलेज एंजाइम. माइक्रोब यूज टू प्रोड्यूस सेल्यूलेज, तो ट्राइकोडर्मा कॉनिगी जो है उसे हम लोग यूज करेंगे. तो जैसा मैंने अभी पिछले MCQ में बताया था वैसा यहाँ पे भी हम लोगों को मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन मिलता है. और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा. सो माइक्रोब्स को लेकर ये बात याद रहे. मैं तो बोलता हूँ कि एक पेज उठाइए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, उनके माइक्रोब्स और वो सारी चीज़ें एक जगह पे लिख के रखिए. चलिए
नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम लोगों को मिल सकते हैं जो इजीली आंसर नहीं निकाल सकते, जैसे फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉप प्रोवाइड रेजिस्टेंस। सूटेबल एग्जांपल के साथ इसे एक्सप्लेन करने को बोला है। यहाँ मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ से ये है कि आप दो एग्जांपल्स लिखो, यू विल गेट 2 मार्क्स। मैंने पूरे टेक्स्ट बुक के चारों एग्जांपल दिए हैं यहाँ। द डिफरेंट एग्जांपल्स कैन बी गिवन एज अंडर डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक हेयरी लीव्स इन कॉटन एंड व्हीट, बराबर। तो वो रेजिस्टेंस देंगे किससे अगेंस्ट, तो जो कॉटन वाला पार्ट है वो जसीड्स के लिए देगा और जो व्हीट का है वो सीरल लीफ बीटल से देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कॉटन वाला पार्ट है यहाँ से एक एरो निकाल के मैं यहाँ रख देता हूँ, ये मुझे याद रहेगा, और सीरल लीफ बीटल का पार्ट लेके मैं कनेक्ट कर देता हूँ व्हीट के साथ, तो वो भी याद रहेगा। ये हो गई इसकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस। सॉलिड स्टेम इन व्हीट लीड्स टू रेजिस्टेंस इन स्टेम बोरर्स इज अनादर एग्जांपल, बराबर। बट यहाँ आपको फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल बोला है, एग्जांपल ध्यान से रहे। अब बायोकेमिकल कैरेक्टर किस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम बोरर्स, बराबर। नेक्टरलेस कॉटन, ये फिजियोलॉजी का हो गया। जब मैं नेक्टरलेस कॉटन बोलूंगा तो फिजियोलॉजी आ गई, ये याद रखे। डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोलवर्म्स, और इन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम्स किस चीज के भाई, पोल्ट्री डिसीज एंड द कॉजेटिव एजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला डिसीज लिया है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, देन फेवस एंड थ्रश, सीकल वर्म इन्फेक्शन, कॉक्सीडियोसिस, और इधर उनके कॉजेटिव एजेंट दिए हैं। तो जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो किसके चलते हो रहा है, वो बैक्टीरियल डिसीज है। जो फेवस एंड थ्रश है वो फंगल डिसीज है। जो सिकल वर्म इन्फेक्शन है वो पैरासिटिक है, और जो कॉक्सीडियोसिस है वो प्रोटोजोअन है। कहाँ से है, एवरीथिंग इज फ्रॉम योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, उसे पढ़िए। आगे अब जैसे यहाँ पोल्ट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी मैं कभी ग्रुप टेस्ट में या फुल सेट पेपर में कहीं ना कहीं तो पक्के से लेने वाला हूँ। अब यहाँ क्या किया, एक डायग्राम को लेकर मैंने क्वेश्चन सेट किया है। ये लाइफ साइकिल है सिल्क वर्म की, जिसमें मैंने ए बी सी और डी इनके आइडेंटिफिकेशन की बात की है। मैं एक डिटेल क्वेश्चन भी दे सकता हूँ कि भाई इसका लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करो, बराबर। मैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो भी पूछ सकता हूँ, पूछने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बराबर। अब ये डायग्राम में आंसर क्या है देखिए, तो ये जो हम लोगों का पहला जो पार्ट है ये कौन है, ये है एडल्ट फीमेल, ए इज एडल्ट फीमेल, बी जो है वो हो गए एग्स, सी ये वाला है, तो सी कौन है भाई, सी है आपका कैटरपिलर, मैच्योर कैटरपिलर, और डी जो है वो क्या है, तो वो है आपका ककून, बराबर। ये अब ये हो गया आपका आंसर। मुझे अगर लाइफ साइकिल प्रॉपरली आती है, पता है, तो 2 मार्क मेरे पक्के हो गए। आगे बढ़ते हैं। फ्रूट ऑर्चर्ड्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स लार्जली डिपेंड ऑन जिबरलिन्स, कैन यू एक्सप्लेन दिस। अब यहाँ मैंने ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा कि गिव द वेरियस रोल्स ऑफ जिबरेलिन्स इन प्लांट्स, मैंने आपको ये पूछा है कि फ्रूट ऑर्चर्ड्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की डिपेंडेंसी जिबरलिन पे है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, तो आपको पॉइंट्स लिखना है। जिबरलिन शो वेरियस इफेक्ट्स ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूट ऑर्चर्ड्स।
अब इनसे हम लोग पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं एप्पल एंड पियर में, यानी फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में जिबरलिन यूज़ किया जाता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग इंड्यूस करेंगे अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस, कम लाइट में, और इलोंगेशन ऑफ फ्रूट इन एप्पल एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, ये इनके दूसरे अप्लीकेशन है। तो अब ये चारों पॉइंट्स लिखने के बाद मुझे यहाँ एक्सपेक्टेड है कि 2 मार्क्स मुझे मिले। ये याद रखिए, इजी है, ये भी याद रखिए, ये टेक्स्ट बुक से है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोब्स एंड एनी वन ऑफ देयर होस्ट, एनी वन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं। बैसिलस लिया है, जूपथोरा लिया, नोजेमा लिया और ग्रैन्यूलो वायरस लिया। इसके पहले ये क्वेश्चन आके गया है पुराने पार्ट में। अब देखिए, बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है उसके होस्ट कौन है? कैटरपिलर, कैबेज वर्म, एडल्ट बीटल। जूपथेरा रेडिकन्स जो है वो अफिड्स, मिलीबग्स, माइट्स एंड वाइट फ्लाइज के ऊपर है। नोजेमा लॉकस्टी जो है वो ग्रास ऑपर, कैटरपिलर और क्रिकेट्स पे काम कर रहा है, बराबर। ग्रैन्यूलो वायरस जो है वो कैटरपिलर, वैस्प, जिप्सी मॉथ, एंट्स, बिटल्स, इनके ऊपर काम करेगा। यानी ऐसे माइक्रोब्स की हम लोग इस आंसर में बात कर रहे थे जो अलग अलग डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना के कील करते हैं। बी हाइव पे ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये आर्टिफिशियल बी हाइव का डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है, बराबर। बी हाइव का डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। बीज को लेकर क्वेश्चन मैंने आगे लिया है ही। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखिए। अलग अलग टाइप की जो बीज है उनके कॉमन नेम को लेकर मैच द कॉलम का क्वेश्चन हो सकता है, ये बी हाइव इम्पोर्टेंट। आपको ये डायग्राम दिया और आपको पूछा है व्हाट इज ए बी सी एंड डी, आंसर देखिए। अब ए क्या है आपका? ए है आउटर कवर विद क्राउन बोर्ड, उसके बाद है इनर कवर, हनी सपर, और उसके बाद फ्रेम्स विथ वैक्स फाउंडेशन। ये हो गया आपका आंसर, हाफ 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 और हाफ, ये टोटल हो गया भाई 2 मार्क्स का। अब 3 मार्क वाले क्वेश्चन पे चलते इसी चैप्टर के। मैंने बोला है अभी कि बी हाइव पे मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस दिए, एक डायग्राम में लेबल आइडेंटिफाई करने का और दूसरा कास्ट टाइप ऑफ बीज को आइडेंटिफाई करके उनके फंक्शंस को लेकर काम करना है। ये आपका ए है, ये बी और ये सी। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ए बी सी, बराबर, और फिर नीचे के क्वेश्चन के आंसर देने। यहाँ पूछा है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव, कलेक्शन ऑफ पोलन एंड नेक्टर। ये ए का काम है। ए कौन है? वर्कर है, बराबर। तो यहाँ वर्कर हो गया, बराबर, वर्कर भी आ गई, दैट इज ए। द मदर ऑफ बी हाइव, पूरे बी हाइव की मदर ये क्वीन होती है, यानी बी इज क्वीन, बराबर। तीसरा है भाई ड्रोन, तो ड्रोन को लेकर क्या बोला है यहाँ क्वेश्चन में? विच वन ऑफ द अबोव इज लेस इन नंबर एंड डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली, तो वो ड्रोन हो गया। ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो जरूर लिखिए, 3 मार्क्स इजी है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ इस साल के लिए, और वो है टिश्यू कल्चर। कैलस कल्चर कैसा है? तो इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, और यहाँ पे सिंगल सेल और स्मॉल सेल ग्रुप्स है, आइसोलेटेड सेल्स मिलती है। कैलस कल्चर में सॉलिड मीडिया होता है, सस्पेंशन कल्चर में लिक्विड मीडिया होता है, बराबर। सॉलिड मीडिया में अगार है और यहाँ विदाउट अगार है सस्पेंशन कल्चर में। ये मे कंटेन साइटोकाइन इन ऑक्सीन, बट यहाँ पे स्पेशल एक ऑक्सीन ऐड किया जाता है, दैट इज 2,4-D। कैलस कल्चर में आपको एजिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, रोटेट नहीं करना पड़ता, बट यहाँ कॉन्स्टेंट एजिटेशन है, सेल एक दूसरे के साथ ना जुड़े, इसलिए
यहाँ कैलस 3 वीक्स में मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली मिलता है, विद इन 2 वीक्स। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स लिखिए, 3 मार्क लीजिए, बराबर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ब्रासिका वेराइटी, इंसेक्ट दिया है अफीड, बराबर। फ्लैट बीन, कर्ल ब्लाइट ऑफ ब्लैक रॉट, और यहाँ ब्लैंक दिया। अब ये पूरा बुक का टेबल उठा के मैंने क्वेश्चन बनाया है। ब्रासिका में पूसा गौरव वेराइटी है जो अफीड्स के अगेंस्ट हमें हेल्प करेगी। फ्लैट बीन में ये पूसा सेम टू सेम थ्री आएगा, जसीड्स अफिड्स का पार्ट हो गया, ओकरा है, शूट एंड फ्रूट बोरर हो गया, बराबर, ये ओकरा हो गया। तो ये चीज हो गई काम की, और इसलिए मैंने बोला कि टेबल याद रखिए। मेंशन डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, फिर से टेक्स्ट बुक का पार्ट उठा के इमेज बना के मैंने यहाँ डाला है। पॉइंट्स क्या है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स, अब ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन इन शॉर्ट टाइम पीरियड एंड स्मॉल स्पेस, बराबर। कंट्रोल्ड कंडीशंस होने के वजह से सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है और थ्रू आउट द ईयर काम चल सकता है। सिमिलर प्लांट्स दैट इज क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड, और इसलिए डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है, डिजायर्ड सेक्स ऑफ सुपीरियर वेराइटी जो है, उनको मेंटेन किया जा सकता है फॉर जनरेशंस, यानी होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना ईजी है। इस टेक्निक से हम लोग रेयर प्लांट्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनको बचा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक एंड इट्स माइक्रोबियल सोर्स। इसको 1 से लेके 4 मार तक कहीं पे भी सूट सेट किया जा सकता है, कहीं पे भी सूट होता है। टेरामाइसिन कहाँ से मिलेगा, स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑरिफेसियंस, ग्रीसियोफल्विन पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्विन, इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से मिलेगा। 4 माइक्रोब्स, 4 एंटीबायोटिक्स, 4 मार्क्स। मैंने मेरे सोच के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट टाइम जब कभी ग्रुप टेस्ट में ये आएगा तो क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, और पेपर सेट में भी क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। होप ये सारी चीज़ें आपके काम में आएगी, बराबर। कुछ दिन के बाद, 1-2-3 दिन के बाद, ये इम्पोर्टेंट कुछ पेपर्स हो जाने के बाद एक छोटा सा वीडियो और अपलोड करूँगा, जिसमें एक कलेक्शन आपको दूंगा MCQs का और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। उनको आपके टेक्स्ट बुक में आप लोग मार्क कीजिए। ये जितने क्वेश्चन पेपर आप लोग देखते हो, इन क्वेश्चंस को आप आपके टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए। आपको तब पता चलेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली है। 2023 की जो प्लेलिस्ट है उसमें तो पेपर है ही, बट आप 2022 की लास्ट ईयर की भी प्लेलिस्ट को देखते रहिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।